हाय मॉर्निंग, दिस इज विवेक गुप्ता। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, करियर काउंसलर, और करियर काउंसलर की ही मुहिम में जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग डिमांड करते थे कि सर आप MBBS कवर करते हो, बाकी कोर्सेज करते हो तो BDS क्यों नहीं करते। तो मैंने ये सोचा है कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँ और मुझे BDS कॉलेज भी नज़र आए तो लेट मी हैव अ राउंड एंड गिव यू अ रिव्यू, अ जेन्युइन रिव्यू। और मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि BDS थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है विदाउट MBBS, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि MBBS में सीटें तो भरी जाती हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज एंड एवरीथिंग, पर BDS में तो ऐसा है कि सीटें भी नहीं भरती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको पैकेजेस मिलते हैं, डिस्काउंट मिलता है, और आपको ये कहा जाता है कि 8 लाख 9 लाख में पूरा आपका BDS हो जाएगा। अब इसी के मद्देनज़र मैं पाया हुआ था उदयपुर, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले, आपने सुना होगा 2-3 लोगों ने अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर रखी है फॉर माई रेगुलर विजिट टू MBBS कॉलेजेस। और वो करते करते मैंने सोचा कि आपको एक BDS कॉलेज भी दिखा दूँ। तो मेरे पीछे जो खड़ा है वो है पैसिफिक डेंटल कॉलेज। अब थोड़ी सी आपको कहानी भी समझा देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कई लोग हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं। जैसे पैसिफिक फैमिली एक बहुत रिपोर्टेड फैमिली है उदयपुर क्षेत्र की, और मिस्टर भोलाराम जी समझ लीजिए एक पैट्रियार्क हो गए, उनके 2 पुत्र आशीष अग्रवाल एंड राहुल अग्रवाल। आई नो कि मे बी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन बट गुड। और 2 मेडिकल कॉलेज आप जानते हैं पैसिफिक के नाम से चलते हैं, एक जैसे हम जानते हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो भीलों का भील एरिया में है, और एक PIMS जो उमरदा में है। अब जो PCMH है, पैसिफिक कॉलेज ऑफ मेडिकल या PCMH, उसके अंदर ही कैंपस में एक BDS कॉलेज है जो कि उसी मैनेजमेंट के अंडर आता है जो मैनेजमेंट राहुल अग्रवाल जी संभालते हैं। दूसरे बदर के अंदर आशीष अग्रवाल जी के अंदर PIMS उमरदा आता है और जेवला कॉलेज आता है विच इज़ अ पैसिफिक डेंटल कॉलेज। और दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेंटल कॉलेजेस, दिस कॉलेज इज़ मोर देन 20 ईयर ओल्ड, जो आपको BDS के बहुत कम मिलेंगे इंडिया में। कॉलेज के अंदर BDS MDS दोनों है, और बाकी सब तो देखिए अच्छे से पढ़ाई रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लोकेशन काइंड ऑफ वियर इन द मेन उदयपुर से थोड़ा सा हटके है भैया, अगर आप स्टेशन से देखोगे तो हम से 10 किलोमीटर दूर हैं, आसपास गांव का एरिया है। उधर आप देखोगे तो अहमदाबाद हाईवे जा रहा है। और पेशेंट फ्लो की मैं बात करूँ तो कुछ तो पेशेंट्स जेन्युइनली आते हैं गांव साइड से, क्योंकि ये लोग MDS में स्पेशलाइजेशन भी करा रहे हैं, तो किसी का दांत टेढ़ा हो गया, दांत उखड़ गया, वो जो उस तरह की स्पेशलाइजेशन सर्जरीज या ट्रीटमेंट होते हैं। और फिर आयुष्मान भारत जिंदाबाद है तो सब इलाज फ्री में हो जाता है। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि जो मुझे बताया गया मेरे लोकल बंदे ने कि चूँकि पैसिफिक इज़ ए वेरी लार्ज ग्रुप, तो पैसिफिक की एक यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर हर तरह कोर्स कराया जाता है। सो पैसिफिक का ही अपना इतना स्टाफ है, और वो सारा स्टाफ तो जब भी कोई दांतों की दिक्कत होती है तो या वो इस कॉलेज या हॉस्पिटल में आते हैं या दूसरे वाले में जाते हैं। तो इसकी वजह से भी इनको एक काफ़ी मार्केट मिलती है अपनी डेंटल OPD के लिए। तो ठीक ठाक OPD है, ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आई वुड एक्चुअली क्लासीफाई दिस एज एन अबव एवरेज कॉलेज। और मैं उदयपुर की बात करूँ तो डेफिनेटली एक्चुअली इट बिकम्स अ गुड ऑप्शन विज़ अदर कॉलेजेस जिनकी थोड़ी हालत इस समय ज़्यादा टाइट है। और वही मैं हमेशा BDS में हमेशा कहता हूँ कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल हालत टाइट हो चुकी है, जिनकी आप एनुअल इनटेक में 20% भी नहीं भर रहे हैं। एक तरफ कस्तूरबा डेंटल हो गए, हम प्राइवेट की बात करें, सरकारी तो आप छोड़ ही दीजिए, तो एक लेवल है कस्तूरबा डेंटल, JSS डेंटल, फिर एक उसके ज़रा सी नीचे आता है विच आर गुड कॉलेजेस लाइक SGT, मानव रचना, सुधा रस्तोगी, जिनका पूरा बैच फुल होता है और वो आपको एक अच्छी पढ़ाई करते हैं। फिर एक थर्ड लेवल आता है, मे बी वी कैन सी दिस काइंड ऑफ कॉलेजेस। और फिर एक चौथा लेवल भी आता है जो बिल्कुल ही बैच में 15-20 बच्चे आ रहे हैं, तो क्या ही वो पढ़ेंगे, क्या ही उन्हें पढ़ाया जाएगा, कॉस्टिंग कैसे निकलेगी। सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट इन द 4th लीग, इट इज़ मिनिमम इन 3rd लीग, एंड वी कैन से एक्चुअली बिटवीन 2nd एंड 3rd लीग। ओके, सो अगेन पर्पज मेरा समझाने का ये था कि अक्सर लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि जो पैसिफिक डेंटल कॉलेज है ये PIMS वाली ब्रांच के अंडर है कि PCMH वाली ब्रांच के अंदर है। तो नाम इसका पैसिफिक डेंटल कॉलेज है और ये है PIMS उमरदा वाली मैनेजमेंट के अंदर। ओके, सो यू नो हमसे संपर्क करना है तो हमारा नंबर 9643362320, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। और इस साल 2024 सीजन में मेरी मुहिम रहेगी कि जिस तरह मैंने आपको MBBS में सपोर्ट किया और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ PG भी लॉन्च करने की। इस साल लॉन्च नहीं कर पाया तो एटलीस्ट सीख के आपको नॉलेज जरूर दूंगा, और शायद कमर्शियली मैं 2025 में लॉन्च करूंगा। कोशिश मेरी रहेगी 2024 में लॉन्च कर पाऊँ, क्योंकि आप में से कई लोग कहते हैं कि सर आप PG क्यों नहीं करते, बट BDS डेफिनेटली वी विल डू इन 2024 इटसेल्फ टू हेल्प यू टू गेट राइट कॉलेज फॉर योर किड, जो मैं हमेशा कहता हूँ। ओके, नमस्कार, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।